ये संस्कृति रही है, अतिथि को हम देवता के समान मानते हैं। शास्त्रों में लेख भी है, अतिथि देवो भव। अतिथि देवता के समान होता है। अतिथि कौन होता है? जो किसी के घर आता है। किसी भी देश में ऐसी परंपरा नहीं है कि कोई किसी के घर जाए और उसको वो किसी चीज़ के लिए पूछे। जाने वाला तो खुद जाके याचना करता है, मुझे ये चीज़ चाहिए। लेकिन हमारी संस्कृति और सभ्यता ये कहती है कि सर्वप्रथम जो इंसान जाता है उसको पानी की पूछो, चाहे दूध की पूछो, फिर भोजन की पूछो, और फिर उसके बाद उसकी कुछ लक्ष्य पूछो कि वो क्या कार्य के लिए, काम के लिए आया। ब्राह्मण लोगों को भी जब भोजन पे बुलाते थे तो ये नियम था। आजकल तो सब रीति रिवाज टूटते जा रहे हैं, हम भूलते जा रहे हैं। जो भी ब्राह्मण किसी के घर आतिथ्य स्वीकार करता था, क्योंकि पंडित लोगों को तो भोजन जिमाने का बड़ा वो माना गया पुण्य, इसलिए पुराने जमाने से तो ब्राह्मणों को ही घर बुला के भोजन खिलाते थे, दान दक्षिणा देते थे। धीरे धीरे करके वो लोप होती चली गई। तो जो ब्राह्मण संत महात्मा साधु किसी के घर जाके अगर भोजन करते थे तो उस भोजन करवाने वाले के नाम से नाम का जाप करते थे, परमात्मा से उसके लिए दुआ मांगते थे, उसके लिए प्रार्थना करते थे। तो भोजन किसी को खिलाने का एक बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। अगर भूखे को अन्न देते हो तो समझो कि उसको आपने जीवन दे दिया, क्योंकि इंसान का शरीर तो चलता है खान पान से, इसको ज़रूरत है। और वो चीज़ जब मिलती है, अगर आदमी नहीं खाए तो प्राण निकल जाते हैं। परंतु ये ऐसे अवसरों पे बुलाना, खुशी के मौके पर सबको बुला के भोजन करवाना, इसको प्रीति भोज कहते हैं। प्रीति भोज होता है खुशी का, और आनंद से सब मिलके उसका खुशी मनाएं और भोजन का आनंद उठाएं। तो जो भी उनको बुलाता है वो उसको अच्छे से अच्छा भोजन देता है, खुशी खुशी देता है, वो एहसान नहीं करता। सब खाने वाले भी उससे खुश होके जाते हैं। और हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि अगर संत महात्मा और फकीर को घर में बुला के तुमने भोजन जिमा दिया तो समझो कि 68 तीर्थ का फल आपको घर बैठे मिल गया। हाँ, 68 तीर्थ का, क्योंकि संत महात्मा मालिक से जुड़े होते हैं। अगर उनसे मिलने जाते हो तो भी बहुत पुण्य है, एक एक कदम रखते हुए एक एक यज्ञ के समान है। और वो हमारे घर चल के आते हैं तो उसका कहना ही क्या है। महाभारत का युद्ध याद होगा, युद्ध के बाद में श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हें श्राप लग गया, इतने लोगों का नरसंहार हुआ है, आप यज्ञ करो और यज्ञ में सबको भोजन के लिए बुलाओ। यज्ञ किया गया, भोजन के लिए सबको आमंत्रित किया गया। गलती से एक महात्मा थे सुपच ऋषि, वो गलती से रह गए, उनको बुलावा नहीं भेज पाए। तो कहते हैं कि जब वो यज्ञ स्वीकार हो जाती तो घंटे की आवाज आती थी। उन्होंने यज्ञ किया भोजन जी में, लेकिन घंटे की आवाज नहीं आई। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि भाई तुम्हारा यज्ञ जो पूरी तरह संपन्न नहीं हुआ, क्योंकि घंटा नहीं बजा। बोला कोई ना कोई संत महात्मा फकीर जो बुलाया नहीं गया है।
देखो कौन। तो उन्होंने ख्याल किया तो सुपच ऋषि थोड़ी बाहर रहते थे, बोले कि उनको नहीं बुलाया, बोले गलती होगी है तुम्हें। तो भीम अपने बल से कहने लगा कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो ये गया उसको अभी ले आता हूं, उस महात्मा को अभी ले आता हूं जाके, यज्ञ पूरा हो जाएगा। फिर भाग्या भाग्या गया। संत महात्माओं के सामने अगर कोई दीनहीन गरीब बन के जाता है, याचक बन के जाता है, तो उनसे जो चाहो वो सब कुछ न्योछावर कर देंगे। लेकिन उनके सामने अगर अहंकार लेके जाओगे, अपना बल बुद्धि चतुराई दिखाओगे, इन चीजों की वहां जरूरत नहीं है, उसमें आपको कोई सफलता कामयाबी नहीं मिलेगी। भीम भागा भागा गया और जाके कहने लगे जी चलो हमने यज्ञ किए, उस यज्ञ में शामिल हो। सुप्रसिद्ध जी कहने लगे भाई चलता हूं, माला टंगी है खूंटी पे, अगर चलते हो तो चलो, नहीं मैं आपको उठा के भी ले चलूंगा। बोला खूंटी पे माला है, वो माला पकड़ा दे, दो चार माला फेर लू उसके बाद चलूंगा। खूंटी से माला उतारने लगा, माला नहीं उतरी। उसने सोचा बड़ा गलत हो गया, बोला जी मैं तो चलता हूँ आप आ जाना, या तो ये कह रहा था कि मैं आपको उठा के ले चलता हूँ। जाके कहने लगा द्रौपदी से कि गलती होगी, द्रौपदी बहुत बुद्धिमान थी, कहने लगी कोई मूर्खता कर दी आपने। बोला कोई मूर्खता नहीं की, बोला मैंने तो ये कही थी कि अहंकार के बस होके गया था, संतों के पास ऐसे नहीं जाते। जूते निकाले उसने, नंगे पैर द्रौपदी गई, जाके हाथ जोड़ के ऋषि जी से कहने लगी हमारे यहाँ पधारो, आपके बिना हमारा यज्ञ पूरा नहीं होता, आप चलोगे तो ही पूरा होगा। नम्रता और दीनता से कहा, कहने लगा कि भाई चलूँ तो वाह, लेकिन मुझे जो है इस यज्ञ का फल चाहिए, इस यज्ञ का जो पुण्य होगा मुझे मिलना चाहिए तो चलूँगा। उसकी और समझ और बुद्धि को देखने के लिए कहने लगे जी ये क्या बड़ी बात है, बहुत यज्ञ है, कितने का फल चाहिए आपको। बोला कि आप जैसे महापुरुषों से सुनी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग धरणी धरे त्यो त्यो यज्ञ समान, के संतों के मिलने के लिए जब जाते हैं तो एक कदम रखते हैं वो एक यज्ञ के समान है, मैं कितने कदम रख के आई हूँ और माया और अभिमान छोड़ के आई हूँ, दीनहीन गरीब बन के नंगे पैर हाथ जोड़ के प्रार्थना की है, तो मैंने जितने कदम रखे उतने यज्ञ हो गए, आपको जितने चाहिए उतने रख लो फिर छोड़ दो, साथ साथ हो लिए के चलो। सुपचर्षि गए तब जाके घंटा बजा। तो भोजन का मतलब ये है बहुत ऊंचा पुण्य माना गया है, अन्नदान बहुत उत्तम है, दानों में ऊंचा दान है अन्न का दान, क्योंकि अन्न से हमारा शरीर चलता है, शरीर से ही हमारे सारी शरीर की जितनी दूसरी चीजें हैं काम करती हैं, बल बुद्धि शक्ति सब अन्न से ही पैदा होती है। जब अन्न नहीं हो पेट में कोई चीज इंसान को याद नहीं आती। ऐसे ऐसे टाइम आए जब संतों के पास खाने को कुछ नहीं था, भक्ति करते करते नाम को सर्वोच्च मानते हैं, भक्ति करने को प्रभु को याद करना सबसे बड़ी बात मानते हैं, लेकिन जब पेट का रोटी का और भोजन का सवाल आता है तो नाम भी तुच्छ पड़ जाता है उसके सामने, भक्ति भी छोटी पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? कबीर जैसे संतों ने कहा कि कबीर खुदा कुकरी, पेट खाली है उसको क्या चीज सूझेगी, कि
कबीर खुदा कुकरी करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा डाल कर भजन करो निशंक। के खुदा खुदा भूख को कहते हैं, ये कुत्ती के समान है। और कुत्ती जब भौंमो करती है तो उसको टुकड़ा डाल दो चुप हो जाएगी। के भूख हमारी उस कुत्ती के समान है, जब तक पेट में रोटियां नहीं पड़ती हैं तब तक भक्ति नहीं की जा सकती। अगर भक्ति निशंक होके निश्चिंत होके एकदम अपने हर चीज से शांत होके भक्ति करना चाहते हो तो पहले पेट पूजा करो। आम बात भी कह देते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। काम सारे पेट के लिए किए जाते हैं, पेट अगर नहीं होता तो इंसान कोई काम नहीं करता। ये सब भागे दौड़े सिर्फ पेट के लिए बढ़ते हैं। जब जब कोई जिक्र आता है तो कहते पापी पेट, कि इसके लिए सारे काम, छल कपट बेईमानी चोरी डकैती करता है वो भी इसके लिए करता है, पेट के लिए। सब अपना अपना पेट पालने के लिए इधर उधर जाते हैं। तो आगे कहा, ऐसा वक्त आया कि परमात्मा से भी नाराज हो गए कि हमें जो है तेरे माला जपने में, तेरा नाम जपने में क्या है कि जब तक हमें दो रोटी नहीं मिलती। और कह दिया कि पेट ना पई रोटियां तो सारी गल्ला खोटियां। पेट में रोटी नहीं हो कुछ भी अच्छा नहीं लगता इंसान को। खाली पेट होगा उसको कुछ नहीं। इंसान को अच्छी चीज जब लगती है, ये भाषण भी, ये भक्ति भी, ये प्रचार भी, ये उपदेश भी, आपको तभी अच्छे लगते हैं जब आपका पेट भरा हुआ। खाली पेट इंसान को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, चाहे कितनी भी बढ़िया से बढ़िया चीज़ दे दो। ऐसा वक्त आया कबीर साहब ने तो माला फेंक दी, कहने लगे भूखे भजन ना होए गोपाला ये ले अपनी कंठी माला। ये कंठी मालाओं की हमें जरूरत नहीं है, भूखे भजन नहीं होता। तो भोजन की बड़ी महत्ता है। यही भोजन शुद्ध और पवित्र हो तो क्या कहना। सिखों ने इसी को लंगर का नाम देके आम जन के लिए, जिसमें बड़े छोटे सभी प्यार से मिल बैठ के एक जगह पर जो भोजन करते थे उसको लंगर कहते थे। अब भी वो परंपरा यूं की यूं चली आती है। तो ये जो प्रीति भोज होता है, ये एक दूसरे के प्रति सम्मान प्यार बढ़ाता है, आपसी मेल जोल कराता है, एक दूसरे को त्याग सिखाता है। और किसी को कुछ खिला के इंसान को जो प्रसन्नता होती है वो एक प्रकार का अन्न का दिया हुआ दान उसके लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम करता है, उसको उसका फल मिलता है। पुराने जमाने में तो रोटी का दान किया हुआ एक कहानी थी कि औरत थी, उसका एक लड़का था, पति उसका गुजर गया था, वो अन्न का दान करती थी, भूखे को रोटी देती थी। उसका नियम था कि रोजाना वो सबसे पहले रोटी किसी को देती थी, चाहे वो कोई इंसान भूखा हो या कोई गाय हो या कोई कुत्ता हो या कोई भी जीव जानवर उसको मिलता, उसको रोटी रोजाना खिलाती। कहते हैं उसका लड़का सेना में भर्ती हो गया। कुछ दिन के बाद युद्ध हुआ तो उसका लड़का उस युद्ध में दुश्मनों के आमने सामने युद्ध में था, तो उसके साथ के लोग जितने थे उनको गोलियां लगी, सब मर गए, लेकिन वो अकेला उसका बुढ़िया का लड़का बच गया। जब उसे पूछने लगे, भाई जब सब के सब खत्म हो गए तू कैसे बचा, बोला मुझे नहीं पता मैं कैसे बचा, कि जब भी मेरी तरफ कोई गोली आती थी तो बीच में रोटी मुझे नजर आती थी, वो गोली उसी में लग जाती, खत्म हो जाती, वहीं मेरे तक पहुंचती नहीं। कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है, अगर तुम किसी के प्रति नेक काम करते हो तो उसका फल आपको मिलेगा।
कोई भी पुण्य करते हो उसका पुण्य का अच्छा फल आपको मिलेगा। अन्न का दान करते हो तो आपको अन्न के भंडार मिलेंगे। राजा अज हुआ है, इसमें रघुकुल में ही राजा अज सबको अन्न का दान करता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो घोड़ों को उनका खाने का सामान देने के बाद में, और जब चलने ही वाला था वो सब उनका खत्म हो चुका था, इतनी देर में एक साधु आ गया। जब साधु आया उसने देखा, साधु कहने लगा कुछ दो मुझे। अब राजा इतना प्रतापी था, अच्छा था, लेकिन क्या किया कि उसको उस टाइम में बुद्धि में क्या आई बात, वहाँ घोड़े की लीद रखी थी, वो लीद दे दी, घोड़े का गोबर, बोला कि ये ले। महात्मा था, महात्मा इस चीज को जानते, कोई भला बुरा जो भी चीज देती है उसको स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने का मतलब होता है जिस इंसान ने दिया है उसका उसको बदला भी देना पड़ेगा। उस लीद को वो लेके दर महात्मा ने उसको खाना शुरू कर दिया, खाता खाता चला गया, जाके अपने स्थान पे बैठ गया। राजा रोजाना जब घूमने के लिए जाता था, बाहर उसका ठिकाना था, वहां पे देखा उसने थोड़ी घोड़े की लीद पड़ी हुई थी, कुछ दिन के बाद में और ज्यादा होगी, और भी बढ़ते बढ़ते उसने देखा ढेर लग गया, वही महात्मा था। राजा उसके एक दिन मन में ख्याल आया कि महात्मा के पास ना तो कोई घोड़ा है ना कोई घोड़ी है, तो लीद कहाँ से आती है इसके पास। और जाके पास में बैठ के कहने लगा, महात्मा जी आपके पास कोई घोड़ा घोड़ी भी नहीं है, फिर ये लीद कहाँ से आती है। बोला भाई एक ने मुझे दान की थी, और वो दान की हुई चीज, वो दान फलता है, उसे कोई एक चीज देता है उसकी हजार गुना बनती है, ये बढ़ती जाती है। राजा इसको चिंता हुई, बोले फिर इसका क्या होगा। बोला वो लीद महात्मा ने खाई थी, उसने मांगी थी, राजा ने वो दे दी और उसने उसको खाना शुरू कर दिया। बोले अच्छा, सोचा ये तो मैंने ही दान की थी। बोला अब क्या होगा। बोला महात्मा ने खाई थी, अब देने वाले को ये जितनी मिलेगी उतनी खानी पड़ेगी। बोला जी कोई इलाज है इस बात का। भाई इलाज तो कुछ नहीं इसका, ये है कि इसको तो उसने किया है, किया कर्म तो भोगना पड़ेगा। बोला जी कोई और जतन, ये तो खानी मुश्किल हो जाएगी। बोला भाई ऐसे कर कि कोई ना कोई ऐसा काम करके जिसके कारण तेरी बुराई हो जाए, सब लोग तुझे तेरी बुराई करनी शुरू कर दे, निंदा करें। अगर वो तेरे बारे में लोग निंदा करेंगे तो तेरा पाप धुलता चला जाएगा, ये कम हो जाएगी। उसने क्या किया, कहते हैं एक ब्राह्मण की लड़की को अपने घर में रख लिया। लोग कहने लगे राजा ने तो जुल्म कर दिया, इतनी बड़ी उम्र, जवान उम्र की लड़की, और वो भी ब्राह्मण की अपने घर ले आया, बहुत गलत है ये। राजा तो निकम्मा हो गया, बुरा हो गया, पापी हो गया, ये तो अपने चरित्र से गिर गया। लेकिन महात्मा ने कह दिया था अपनी बेटी की तरह रखना, लोग जो जो बुराई करते गए वो लीद कम होनी शुरू होगी, आखिर में थोड़ी बच गई। बोला जी एक तो खत्म हो गया सारी, अब या बोला ये खत्म नहीं होगी भाई। बोला क्यों। बोला ये तो इतनी तो तेरे को खानी ही पड़ेगी। बोला जी लीद तो नहीं खाई जाएगी, आप दया करो कोई। बोला तरीका इसका भी बता देंगे, इस लीद को जला ले, जलाने के बाद भी थोड़ी खाक बन जाएगी,
इसका फाका मार के खत्म कर दे तब खत्म। तो जो भी चीज दान की जाती है वो उसका फल लगता है, अच्छी है तो वह ज्यादा हो जाएगी, बुरी है तो भी ज्यादा हो जाएगी। तो अन्नदान को इसलिए माना गया है कि अन्न के देने से भूखी जो किसी का भूख के कारण दुखी होता है मन सुखी होता है, उससे तृप्ति होने के बाद में उसको दुआ देता है। तो ये तो अपना अन्नदान की नहीं, यहाँ तो बात प्रीति भोज की है। हम सब तो यहाँ खुशी खुशी अच्छे के लिए खुशी के अवसर पर आए हैं, और खुशी क्या है कि हमारा और आपका आगमन है, नहीं तो कौन आता है ऐसे। बहुत बहुत आशीर्वाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।